प्राकृतिक खेती से उगाए फल सब्जियों का स्वाद अलग ही है। जो भी एक बार प्राकृतिक फल सब्जियों का स्वाद चखता है, फिर उसे रसायन युक्त चीजें अच्छी ही नहीं लगती। जी हाँ, यही कहना है श्री नैना देवी विकास खंड के मंगल सिंह ठाकुर जी का, जिनका बचपन से ही खेती के प्रति रुझान रहा है। जब बड़े हुए और जीवन यापन के लिए क्षेत्र विशेष को चुनने का समय आया तो उन्होंने खेती को चुना। पिछले 4 दशकों से खेती कर रहे मंगल सिंह जी को लगातार हर साल कीटनाशकों की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी बीच वो बढ़ती खेती लागत और अच्छी पैदावार के लिए दवाइयों पर बढ़ती निर्भरता का लगातार आकलन भी कर रहे थे। वह कीट और खरपतवार नाशकों का प्रयोग छोड़ना चाहते थे, मगर लंबे वक्त से चली आ रही रासायनिक आधारित खेती छोड़ना कठिन महसूस हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल जो उनके मन में उठ रहा था वह परिवार के भरण पोषण का था। नई खेती तकनीक अपनाने में जोखिम ज्यादा था। तभी कृषि विभाग के आत्मा परियोजना के अधिकारियों ने श्री मंगल सिंह जी का मार्गदर्शन किया और उन्हें प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में बताया। प्राकृतिक खेती तकनीक के बारे में जानकारी मिलने के बाद मंगल सिंह जी कृषि विभाग के माध्यम से वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के 6 दिन के प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा भी बने। अपने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के विस्तार हेतु मंगल सिंह जी लगातार प्रयासरत हैं। वह अपने आसपास के किसानों को इस खेती के बारे में बताते हैं और उनसे इसे अपनाने का आग्रह भी करते हैं। हमारी खेती में ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं जो आज भी सुनने को मिलती हैं, जैसे पूरा राजा, केरा वजीर, छट्टा फकीर। इस कहावत को मंगल सिंह जी के ये खेत चरित्रार्थ कर रहे हैं। ये जो आप यहाँ पौधे देख रहे हैं, ये व्हीट की सोना मोती, गेहूँ की सोना मोती किस्म इन्होंने यहाँ लगाई है। सोना मोती व्हीट की जो किस्म है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी किस्म मानी गई है, क्योंकि इसमें इसके दानों में ग्लूटिन, जो प्रोटीन होता है, जो हमारी गेहूं में प्रोटीन ग्लूटिन होता है, उसके दानों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए ये प्रोटीन, ये गेहूं उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है जो ग्लूटिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो व्हीट नहीं खा सकते। साथ ही इसके दाने में आयरन और मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सोना मोती निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत अच्छी किस्म है, जिसको मंगल सिंह जी ने यहाँ अपने खेतों में लगाया है। मंगल सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कितनी तरह का जो गेहूँ है वो अपने खेतों में यहाँ लगाया है? देखिए सर, मैंने 4 किस्में गेहूँ की लगाई हुई है, जैसे अपने ब्लैक गेहूँ और सोना मोती और बंसी और मुंडरा, और इनका बहुत अच्छा परिणाम है और हम इसको तैयार कर रहे हैं। काश मेरे कान जिस गीत को सुन रहे हैं आपको भी मैं वो गीत सुना सकता। ये आवाज़ कोई और नहीं, इन खेतों में घूम रहे भंवरों की है। ये प्राकृतिक खेती की विशेषता है कि इसमें हम हमेशा दूसरे जीव को जीने का अधिकार देते हैं, वो जीव जो हमारी खेती में हमारी सहायता करते हैं। जिस तरह से ये कीट जो हमारे खेतों में, मंगल सिंह जी के खेतों में घूम रहे हैं, ये इसकी पहचान है कि किस स्तर तक ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन कीटों का, इन मधुमक्खियों का और बहुत सारे पॉलिनेटर्स का इन खेतों में आना ये संभावना है। ये एक जीता जागता हमें उदाहरण है कि ये खेती कितनी सफल और टिकाऊ खेती है, क्योंकि अगर ये जीव हमारे खेत में होंगे, हमारी फसल, हमारे फूलों पर ये जीव आएंगे, तो उतने ही अधिक हमारा उत्पादन जो है वो खेतों में होगा। इसके साथ ही हमारे खेतों की जो मिट्टी है, उसमें अभी आपने देखा कि किस तरह से इनके खेतों की मिट्टी में केंचुए जो थे, उन्होंने बहुत सारी सुरंगें बनाकर बहुत सारी मिट्टी जो है वो नीचे की मिट्टी ऊपर लाई है। तो इस तरह की जैव विविधता सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के खेतों में ही देखने को मिल सकती है। जिस तरह के आदानों को वो अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करने के लिए, जो आदान हमने इनको बताए होते हैं, उन आदानों को ये अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, उसी के कारण इनके खेतों में आज इतनी ज़्यादा जैव विविधता है। मंगल सिंह जी, प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है कि हमें मुख्य फसल के साथ
दालों को भी हम उसमें लगाते हैं। दालों को लगाने का एक उद्देश्य तो ये है कि हमारी फसल को उससे नाइट्रोजन का एक स्रोत मिलता है, दूसरे वो हमारी फसल के लिए मल्च का काम भी करती है, ग्राउंड का काम भी करती है। तो आपने अपने खेतों में कौन सी दलहन लगाई है? देखिए, जो मैंने सह फसल लगाई है गेहूँ के साथ, जैसे मटर, चना और सरसों, और अभी इसमें फूल आ रहा है जैसे मटर में और चना में, और इसकी बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है और इसका हमारे को बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। और जैसे हम घटक बनाए हुए, जैसे हमने जीवामृत बनाया हुआ है और अग्नि अस्त्र बनाया हुआ है, ब्रह्म अस्त्र बनाया हुआ है और घन जीवामृत, उसको हम टाइमली से यूज करते हैं, इसकी समय पर इनको उपयोग करते रहते हैं। तो शायद यही कारण है कि आपकी जो ये जो पौधे हैं ये बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, इन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ ली हुई है। फलियाँ भी हमें बहुत मटर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, चने में भी आपके फूल पड़ गया है, शायद यही कारण है। यही कारण है सर जी। बहुत बढ़िया। मंगल सिंह जी, 2018 से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बिना घटकों के प्राकृतिक खेती की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। आप इतने, आपकी जितनी भी ज़मीन है वो उसमें आप इन घटकों का प्रयोग अवश्य ही करते रहे हैं, तो कौन कौन से घटक जो हैं वो आप अपने खेतों में यहाँ बनाते हैं और उनको लगाते हैं? देखिए सर, मेरे पास 24 घंटे जैसे जीवामृत और बीजामृत और अग्निअस्त्र और ब्रह्मअस्त्र और नीमअस्त्र और घन जीवामृत जी, ये मेरे 24 घंटे मेरे पास बने रहते हैं और मैं इनको यूज पूरी खेती में इनको यूज करता हूँ। समय समय पर करते हैं। जैसे मैं खट्टी लस्सी भी यूज करता हूँ। मंगल सिंह जी, आप लगभग 26 बीघा ज़मीन पे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उस ज़मीन में फसलों पर तो आप प्राकृतिक खेती विधि कर ही रहे हैं, साथ ही आप बहुत सारे फलदार वृक्षों पर भी प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहे होंगे। मैं देख रहा था आपके बगीचे में लीची, आम, ऐसे और भी बहुत सारी किस्म के जो है वो फलदार पौधे लगे हैं, तो क्या आप इस पे प्राकृतिक खेती उपयोग करते हैं विधि का? जी सर, मैं इस जितने भी मेरे हॉर्टिकल्चर है, जैसे लीची हर सीजन की 2-2.5 लाख की लीची निकाल देता हूँ जी, और जैसे आम, मैंगो, इसको मैं 60-70 हज़ार का हर सीजन में निकाल देता हूँ, जैसे मौसमी 20-25 हज़ार रुपये की मैं मौसमी निकाल देता हूँ। जैसे अनार में 10-15 हज़ार का मैं अनार निकालता हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या फसलों से भी आप इसी तरह पैसा कमा रहे हैं? जी सर, मैं फसलों से भी ऐसे ही पैसा कमा रहा हूँ। जैसे गेहूँ हमने अभी पिछले साल को बेचा, जैसे हमने 3500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचा, और जैसे हरा मटर अभी हम तैयार हो रहा है जैसे हमारा, और उसको भी हम इसको निकालते हैं, जैसे हमने 5-10 हज़ार का हमने अभी हरी मटर गेहूँ से निकाल देना है जी। बहुत बढ़िया। लहसुन भी हमने 40-50 हज़ार का हमने लहसुन निकाला है अभी इस सीज़न में। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि ये जो विधि है प्राकृतिक खेती, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी आर्थिकी में इससे सुधार हुआ है जी। बहुत बढ़िया। मंगल सिंह जी, शकुंतला जी, आप दोनों ही किसान हमारे, मंगल सिंह जी हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, तो आप दोनों मिलकर इस हमारे प्रोजेक्ट में हमारी सहायता कर रहे हैं और अपने खेतों के माध्यम से हमारे किसान वर्ग को आपने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं शकुंतला जी आपसे जानना चाहूँगा कि एक महिला की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है कहीं एक पुरुष से, क्योंकि उसको घर भी देखना है और अपने पति का हर सुख में दुख में साथ भी दे रहे हैं, साथ ही परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी भी एक महिला की ही होती है। तो आप अपनी इन सभी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाती हैं कि आपको इतना समय मिल पाता है कि आप अपने पति के साथ उनकी इस प्राकृतिक खेती विधियों को करने में खेतों में सहायता कर पाती हैं? जी सर, मुझे पहले तो ऐसा लगा कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही आए कुछ सीख के, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रोडक्ट खेत से तैयार करके लाए शुरू में, फर्स्ट टाइम जब मैंने वहाँ अपने किचन में उनको बनाया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने बनाया, तो फिर मैं अपने घर के कामों से सभी से अपना टाइम निकाल के खेत में इनके साथ हेल्प करती थी और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। और जितने भी हम घटक बनाते हैं, जैसे वो हो गया अग्नि अस्त्र हो गया, ब्रह्म अस्त्र हो गया,
और जो जो भी दवाइयाँ बनती है वो मैं खुद सारी तैयार करती हूँ। वो जिम्मेवारी मैंने ले ली है कि आप सिर्फ इनसे मैं खुद बनाऊँगी इनको, और आप जो भी खेतों में इनका छिड़काव होता है वो ये मेरे पति करते हैं, और ये जिम्मेवारी मैंने ले ली है सारी। हमारे आज के किसान श्री रंजीत सिंह जी जिला बिलासपुर के स्वारघाट ब्लॉक के बहल क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, और लगभग 2018 से ये जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत इस ज़िला में हुई थी तब से ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और इस खेती से जुड़े होने के कारण इन्होंने बहुत सारी ऐसी तकनीकें सीखी हैं इस खेती की, जिनको अपनाकर इन्होंने बहुत फ़ायदा लिया है। तो रंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके माध्यम से हम अपने किसान वर्ग को ये जानकारी देना चाहते हैं कि इस खेती को करते हुए आपको एक तो किस तरह के फ़ायदे हुए हैं, दूसरे सबसे पहले आपने इसकी जानकारी, इसकी ट्रेनिंग आपको कैसे मिली इस खेती के बारे में? हाँ सर, नमस्कार। मेरा नाम रंजीत सिंह है, मैं गाँव बहल तहसील श्री नैन देवी और ब्लॉक श्री नैन देवी से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने पहले तो मैं अपने इस हिसाब से खेती करते थे हम, जैसे ऑर्गेनिक खेती वगैरह और वो दूसरे वाली खादों वाली खेती भी करते थे जी। लेकिन हम 2018 से ये डिपार्टमेंट के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, हम सुभाष पालेकर जी की खेती से जुड़े, प्राकृतिक खेती से, और हमने पहली बार मेरा ख्याल सितंबर 2018 को या अक्टूबर में छः दिवसीय ट्रेनिंग भी की, और जैसे उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी वैसे ही हमने स्टार्टिंग अपने ज़मीन से शुरू की है। तो मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ ली थी? हाँ, इसकी ट्रेनिंग हमने ना जी सितंबर 2018 को पालमपुर कृषि यूनिवर्सिटी में सुभाष पालेकर जी के माध्यम से ली थी जी। बहुत बढ़िया। तो 2018 से आप इस खेती को कर रहे हैं? बिल्कुल सर, और सफलतापूर्वक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। 2018 से मैंने पहली बार 5 बीघा में करके देखी थी ये खेती, और दूसरी बार मैंने उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, तो अब मैं इस वक्त 12-12.5 बीघा में टोटल ये खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती दोनों सीजनों में, जैसे मकई के सीजन में भी और गेहूं के सीजन में भी। और हमें वैसे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। पहले हमारा खर्चा बहुत आ जाता था, जैसे हमने खादें वगैरह लगाते थे ज़्यादा खर्चा आ जाता था, तो इनकम इतनी होती नहीं थी, कमाई नहीं होती थी। अब हमें ऐसा है जी, रेट भी थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है और अपने खाने के लिए भी अच्छी है, तो इसमें लागत भी हमारी कम आ रही है जी। एक प्रश्न मेरे दिमाग में और रहा है रंजीत जी, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है ये पंजाब के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्रों में जनरली लोग दूध का काम बहुत करते हैं, पंजाब का बहुत असर है इस क्षेत्र पर, तो दूध का काम करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो भैंसे ज़्यादा पालते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जब लोग भैंसे पालते हैं, हम देख रहे हैं आपने इतनी देसी नस्लों की गायें भी रखी हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन गायों को रखने से आपको फ़ायदा हो रहा है किसी भी तरह से? क्या प्राकृतिक खेती करने में ये आपकी सहायता भी कर रही हैं कहीं, और दूध का उत्पादन भी आप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप इसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। सर ऐसा है, मैंने 2018 से जैसे ही हमें वहाँ सुभाष पालेकर जी के माध्यम से ट्रेनिंग मिली, उन्होंने हमें इस तरफ हमारा खिंचाव किया भी देसी गायों का, आप उनको पालो और उससे दूध भी मिलेगा और आपकी ये खेती का काम भी चलेगा। तो हमने पहली बार जी, वैसे पहले तो मैंने एक देसी थारपारकर यहीं लोकल कहीं से गाय ली थी, उसके पास कम से कम 5-6 किलो दूध था। थारपारकर? हाँ, थारपारकर, उसके 6 किलो दूध था। लेकिन जैसे जैसे ना जी मैंने काम बढ़ाया, तो मेरे को और गायों की जरूरत पड़ी। कुछ हमारी ये इन्होंने कृषि विभाग वाले ने हमें ये गाय साहीवाल गाय सब्सिडी पे दी जी, 55,000-56,000 की जी। तो इसने हमारा काम और आगे बढ़ा दिया। इसके पास ही कम से कम 12-14 लीटर दूध होता है हर सुबह का। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका दोनों चीज हमें काम आ जाती है, जैसे इसका गोबर, इसका मूत्र भी हमारे काम आ रहा है जी, और हम इससे दूध भी बेच रहे हैं और घर का भी काम चला रहे हैं जी। लेकिन हम पंजाब के साथ लगते हुए ना जी, जैसे हमारे यहाँ गाय रखते हैं लोग ज्यादातर, जैसे जर्सी वगैरह, HF वगैरह, ताकि ज्यादा दूध का उत्पादन हो। लेकिन उसका चलो
गुणवत्ता इतनी नहीं है दूध में जी। हमें जैसे कृषि विभाग ने ट्रेनिंग दी है भी इसके दूध में ज़्यादा गुणवत्ता है ये, तो इसका सब कुछ ही काम आता है, गौमूत्र है, गोबर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उन्होंने हमें कुछ वो भी दी, सब्सिडी दी इसके ऊपर, ये हमने रखी, जिस दिन से रखी है हम दूध भी डाल रहे हैं और प्राकृतिक खेती भी इसे इसी से कर रहे हैं जी, और बहुत बढ़िया चला हुआ जी हमारा काम इससे प्राकृतिक। रंजीत जी, आपके खेतों में हम गेहूं देख रहे हैं, चने की बहुत अच्छी फसल लगी है, गेहूं के साथ कुछ खेतों में मटर भी लगा है, तो लगभग कितने क्षेत्रफल पे आप ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? सर मैं ये कम से कम इस वक्त यहाँ 6 बीघा में कर रहा हूँ जी, जिसमें मैंने ये प्राकृतिक खेती के साथ साथ ना जी मतलब सरसों भी लगा रखी है साइड पे, हाँ जी। बीच में गेहूं है और इसी के बीच में चने हैं, मटर है और जौ की खेती है जी। ये कम से कम 6 बीघा में यहाँ लगा रखी है और कम से कम इतनी इससे ज़्यादा थोड़ा आगे लगा रखी है जी। तो क्या इस फसल पे, इन फसलों पे आप जीवामृत रेगुलर इंटरवल्स पे बीच बीच में कितने कितने दिन बाद आप इसको डालते हैं? सर हम बिजाई के 3 हफ्ते बाद जीवामृत का घोल इस पे स्प्रे करना शुरू कर देते हैं जी। जैसे पहली स्प्रे हम 21 दिन बाद करेंगे, 3 हफ्ते बाद जी, पहली बिजाई से 21 दिन जी, बाद जी। उसके बाद हम हर महीने में 2 स्प्रे तो पक्की करते हैं, बहुत बड़ा। और अगर हमारे पास टाइम हो या वो हो तो हम 3 भी कर देते हैं, लेकिन 2 स्प्रे तो हमारी जीवामृत की पक्की होती है हर माह में, हर माह। हाँ जी, हर जी। तो एक एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, जो एक समझ लीजिए कि कौतूहल का प्रश्न है। हाँ, क्योंकि आपका जो ये एरिया है यहाँ पे पानी की समस्या तो नहीं है? नहीं, लोगों के पास पानी है, खेतों में पानी लगता है। बिल्कुल। तो जनरली हम लोगों को कहते हैं कि अपने खेतों में आप मल्चिंग कीजिए, ढकरौन डालिए, ठीक है? तो ढकरौन तो एक आवश्यक हिस्सा है सुभाष पालेकर जो खेती है उसका, लेकिन क्योंकि अभी आपके खेतों में ढकरौन ग्रीन मल्च तो हम कह सकते हैं, हरा ढकरौन तो है, लाइव मल्च जिसको हम बोलते हैं, लेकिन सूखा ढकरौन नहीं है, तो क्या खरपतवारों को आप इसमें किसी तरह प्रयोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है जैसे हमें जैसे बताया गया सुभाष पालेकर जी द्वारा जी, चलो ये ड्राई एरिया में जो मल्चिंग है वो सबसे सक्सेस रहती है जी, जी। लेकिन हमारा ये एरिया एरिकेटेड है, यहाँ पानी लगता है हमारी जमीन में, तो हमें वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम फिर भी ना ये खरपतवार यहाँ ना तो दवाई लगा सकते हैं कोई जी, जी, और ना ही हम इसको मतलब वो कर सकते हैं। अब हमने इसका एक सिस्टम बनाया है, जैसे ये खरपतवार 2 महीने का हो जाएगा, हाथ में आने लायक उखाड़ने लायक हो जाएगा जी, तो ये हम ये सारा खरपतवार हाथों से ही उखाड़ के बीच ही फेंक देंगे, उसके बाद हम सूखा जैसे हमें मल्चिंग मिल जाता है घास तो सूखा घास भी इसमें। हालांकि आपकी फसल पर इसका खरपतवार का ऐसा असर नहीं दिख रहा है जी सर, तो आपकी इस बात को हम मान सकते हैं कि ये आपकी अपने स्तर पर एक नई इनोवेशन है, एक नई खोज इसको हम मान सकते हैं कि प्रायोगिक खोज, जो किसान अपने खेत में काम करता है तो अपने खेतों की जो समस्या है वो किसान को ज़्यादा पता होती है, उसके एरिया की समस्या का भी किसान को ज़्यादा पता होता है, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए शायद आपने ये एक तरीका खोज निकाला है मल्चिंग का, कि किस तरह से खरपतवार जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसी को हम वहाँ से उखाड़ करके खेत में ही समायोजित कर लें और वो हमारे मल्च का भी काम करे, लेकिन जब तक वो खरपतवार खेत में लग रहा है तो एज ए ग्रीन मल्च जो है वो आपकी चने की फसल के साथ या मटर की फसल के साथ वो गेहूं की सहायता करें। बिल्कुल सर। रंजीत जी, मुझे ये बताइए कि आपके खेतों से लगभग कितनी पैदावार औसतन गंदम की, गेहूं की कितनी पैदावार होती, क्या आपकी आर्थिकी में इसे सहायता हुई है, क्या आपने पैसा कमाया है इससे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा सर हम ना 2018 से मान लो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी, 2018 से पहले हम ये दूसरी खेती करते थे खाद डालने वाली जी, तो उसमें हमारा जी मेरे पास कम से कम 10-12 बीघे जमीन पहले थी इतनी, अब है मतलब उस वक्त भी हम खादों से भी इतनी पैदावार करते थे, खेती करते थे, अब भी उतनी कर रहे हैं, लेकिन फायदा हमें ये हुआ है इसका अपने प्राकृतिक खेती का, अब हमारा खर्चा जो है बहुत कम आता है, क्योंकि खर्चा हमारा आएगा किस पे, ज़्यादा आएगा हमारा ये खरपतवार निकालने के लिए जी, ठीक है ना जी। बीज हमें देसी वैरायटी हमने अपनी रखी होती है जी, वो हम डाल देते हैं, सरसों भी डाल देते हैं, लेकिन पहले हमें ऐसा नहीं होता था, पहले हमारा अच्छे बीज लेने पड़ते थे, महंगे मिलते थे, फिर खादें डालनी पड़ती थी, वो भी बजट बढ़ जाता था, तो उसके बाद हमें ना ये खरपतवार नष्ट करने के लिए दवाई भी लगानी पड़ती थी जी, ठीक है ना जी,
जब सारा खर्चा डाल के यानी हमारे कुल मिला के हमें कुछ खास मतलब बचता नहीं था, बस पूरा पूरा होता था काम। लेकिन अब हम ऐसे करते हैं जैसे हमें आजकल जो एक रुपया भी हमें बेनिफिट हो रहा है ना जी, उसमें से हमें 40 पैसे या 35 पैसे खर्च आ रहा है और 60-65 पैसे हमें बच रहे हैं, बच ज़्यादा रहा। हाँ जी, बच तो आपको ये फ़ायदा दे रही है। हाँ बिल्कुल, और इसका रेट भी उससे ज़्यादा लग रहा है जी। जी ठीक है ना जी, उससे रेट ज़्यादा मिलता है तो ये फायदे वाला ही सौदा है जी। तो आपने विभाग ने क्या आपको इसके लिए बीज शुरुआत में दिया था गेहूं का? बिल्कुल सर बिल्कुल। किस किस्म का बीज आपको दिया गया? जैसे सर हमने 2018 में ट्रेनिंग की तो पहली बार हमें विभाग ने जी ये बंसी वैरायटी ला कर दी, साथ कुछ चने भी दिए थे और कुछ मटर भी दिए थे। लेकिन ये बंसी वैरायटी हमने संभाल के रखी है, पांचवा साल जा रहा है, अब हम बंसी वैरायटी ही मतलब यूज कर रहे हैं ज्यादा यहाँ। रंजीत जी, आपकी फैमिली में परिवार में आपके कितने सदस्य हैं? क्या वो भी आपकी इस कार्य में जो ये आप प्राकृतिक खेती का कार्य कर रहे हैं आपकी सहायता करते हैं? ठीक है सर, मेरी फैमिली में 5 सदस्य हैं जिसमें 2 मेरे लड़के हैं, 1 पुत्र वधू है और 2 मैं और मियां बीबी दोनों हैं जी, 5 लोग हैं। जैसे 4 लोग हमारे हर वक्त घर में रहते हैं जो फसलों का भी काम कर देखते हैं, 1 लड़का कभी कभार चलो बाहर काम चला जाता है जैसे वो मशीन चलाता है। हाँ जी। तो हम 4 मेंबर तो हर वक्त घर में रह के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अपनी तरफ से आप हमारे किसान वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जरा संक्षेप में एक छोटा सा संदेश? सर ऐसा है, मैं तो किसान वर्ग को यही संदेश देना चाहता हूँ जी, मतलब भाई ये जो रासायनिक खेती छोड़कर ये प्राकृतिक खेती को अपनाएं, इसमें हमारा भी भला है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी भला है और हमारी आर्थिक स्थिति भी इससे सुधरने वाली है। क्योंकि जो जैसे हमारे यहाँ हमारा एरिया जो पंजाब से लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ खाद्य इतनी महंगी होती है, मजबूरन हमको डालनी पड़ती है जी, लेकिन वो इतना मतलब महंगी हो गई है हम आगे के लिए डाल नहीं सकते। यही एक प्रावधान है हमें, ये अल्टरनेट है खेती का जो हमें अब बचा सकता है और सस्ता पड़ सकता है। ये प्राकृतिक खेती से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना समाज का और बच्चों का और अपने स्वास्थ्य का भी, हाँ अपने स्वास्थ्य का भी हम मतलब बचाव कर सकते हैं इन मतलब जहर मुक्त खेती बच्चों को खिलाकर जी।